वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इसकी मीनिंग बताई थी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल, सॉरी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सीज हो गई है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी जो लॉ ने दी थी उसको, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट मीन्स इसमें क्या है, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, इट शोज नलिटी, नल है ना, जीरो बोलते हैं जिसको. नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो, जब बना था तब ये वैलिड था, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट इज वैलिड एंड बाइंडिंग, वैलिड एंड बाइंडिंग था है ना, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू कुछ सिचुएशंस आ गई, ड्यू टू सर्टेन रीजंस इट बिकम अनएनफोर्सेबल बाय लॉ. देखो अब ना जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, मेन ये करवाने का रीजन ये था. देखो ये तो आपका रिवीजन हो गया जो हमने कल किया था, अ कॉन्ट्रैक्ट मे वॉइड. अब उसके ना कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस हमको पता होने चाहिए. फर्स्ट रीजन होगा इसमें देखो, सुपर विनिंग, SUPERVENING, ठीक है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इसको ना एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं सबसीक्वेंट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, वो इम्पॉसिबिलिटी जो सब्सिक्वेंट मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमको पता चल रही है, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एंड बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं था, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अब ने ये क्या लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है इस एक्ट को कंप्लीट करना, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट. मतलब कुछ ऐसा रीजन आ जाना या कुछ ऐसा इवेंट हो जाना. सपोज इसका एक एग्जांपल आप लोग डाल सकते हो, अगर इसमें बोलूं तो बी और सी सपोज टू मैरी ईच अदर है ना, और बी गोज मैड, बी पागल हो गया, अब क्या होगा, सी शादी तो नहीं करेगा इससे, बात का तुम तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कोई इशू नहीं था, लेकिन अब सडन ये प्रॉब्लम हो गई. रीजंस में सेकेंड रीजन है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. देखो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है ना, इलीगल हो जाना या अनलॉफुलनेस, लॉफुल नहीं है अनलॉफुल है. देखो एक स्टेटमेंट बता रही हूं, इसको लिखना, एग्जाम में अगर ये पूछता है स्टेटमेंट तो समझना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है आपसे. ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स void, but all void contracts are not necessarily illegal or unlawful. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखना, अगर पूछता है तो आप समझना कि आपसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है और उसके रीजंस पूछ रहा है. ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड है, ऑब्वियस है, वो नल है. आप उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो जरूरी नहीं है कि अनलॉफुल हो. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के हम रीजन पढ़ रहे हैं और उसमें एक पहला हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, तो क्या ये इलीगल था, नहीं था. अगर वो पागल हो गया, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था बी और सी की मैरी का, मैरिट का है ना, तो कोई भी एक अगर अनसाउंड माइंड का हो गया तो क्या वो इलीगल है, नहीं.
तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इलीगल हो। हाँ, लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड होते हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ ऐसी सिचुएशन का आना, जैसे इसमें बी कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ कि वो उसको, बी कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ कि वो उसको इंडियन कारपेट्स सप्लाई करेगा। सी कहाँ रहता है? फॉरेन कंट्री में, यानी इसको इंपोर्ट करने वाला है। कंट्री आप कुछ भी ले लो, कोई भी कंट्री आप एज्यूम कर सकते हो, ईरान ले लो सपोज, है ना, एज्यूम है ये, कोई फैक्ट्स नहीं है ये। ठीक, सपोज अब इंडिया और ईरान के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, मतलब इंडिया ने जितनी भी ट्रीटी साइन की थी ईरान के साथ वो कैंसल हो गई, या ईरान ने जितनी भी कंडीशंस या टर्म्स वगैरह साइन किए थे वो पूरे कैंसल हो चुके हैं। तो सी, ये बी कैसे उसको इंडियन कारपेट्स देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड वॉर चल रहा है, तो अगर हम चोरी छुपे भी उसको करते हैं तो इलीगल हो गया। तो ये होता है इलीगल, पहले नहीं था लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं था, बट सोचो किस्मत खराब हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट आज साइन किया है और जिस दिन आप उसकी डिलीवरी करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उसके 2 दिन पहले ही ऐसा हो गया, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे फुलफिल कर पाएंगे? आ रहे समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो इसमें, रेप्यूटेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो रेप्यूटेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सपोज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इट मींस उसमें क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है, नो फ्री कंसेंट इज देयर, तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होता है तो वो वॉइड बनता है। आ रहे समझ में? नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कंटिंजेंट इवेंट। कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट सपोज, कंटिंजेंट का मतलब है फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। फ्यूचर इवेंट पे क्या कर रहा है? डिपेंड, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है कि इम्पॉसिबिलिटी है, वो फ्यूचर में कोई एक इवेंट होगा, सर्टेन इवेंट होगा, उस पर डिपेंड है कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आ रहे समझ में? बी, यस मैम। इसका एक एग्जांपल देख लो। बी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग्स सप्लाई करेगा, किसको? सी को। और ये किसकी पेंटिंग्स देने वाला है? बी इसको, सी को, डी की। डी कहाँ रहता है? एब्रॉड में। तो उनके बीच एक डीलिंग हुई है, यस मैं आपको वो ओल्ड स्पेसिफाइड पेंटिंग्स की डीलिंग करवा के दूंगा, बट एक ही कंडीशन रहेगी कि जो डी एब्रॉड में रहता है वो अगर वापस आ गया इतने तारीख तक, तो अब सोचो फ्यूचर इवेंट क्या है, एब्रॉड से वापस आना। नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अभी फॉर्मेशन के टाइम पे तो यस है, बट एट अ फ्यूचर वो कैंसिल हो सकता है। क्लियर है? कहीं डाउट किसी को?
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसी में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक स्टेटमेंट आप लोग नोट करो. All contracts are agreements, but all agreements are not contract. But all agreements are not contract. आ रहे समझ में? जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कैसे एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे बताओ मेरे को. एक्सप्लेन बताओ. स्टेटमेंट नोट किया सबने? Yes. क्या आंसर देंगे आप एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट आता है आपके पास? तो देखो क्या लिखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या होता है, क्या लिखा है देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. समझ में आ रही है बात? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है, एग्रीमेंट्स. ठीक है, ऑब्वियस है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें एग्रीमेंट भी आता है और ये भी आता है. बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. कब होगा? जो ये इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है वो क्या हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा सपोज. तो जो एग्रीमेंट है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं रहेगा. कल बताया था ना मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ. आ रहा है आपको समझ में? Yes, ma'am. कल बताया था कि नहीं? क्यों एक ही यस मैडम कहा है, बाकी सब यस मैडम नो मैडम वाले? मैम बताए थे. हाँ तो ये इतना चुप करके क्यों रहते हो तुम लोग? जब तक पढ़ते नहीं तुम लोग सुनते नहीं हो ना, इस टाइप का है तुम्हारा अभी आजकल. तो क्या एक्सप्लेन करोगे जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो क्या आंसर दोगे बताओ? क्या आंसर दोगे ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर लिखोगे एग्जाम में बोलो? कॉन्ट्रैक्ट देखो सब ना कोरिलेट है एक दूसरे से. अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ. फिर मैंने एक स्टेटमेंट और दिया था, अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. याद है बताया था कुछ इस टाइप से? यस मैम. है ना, तो एक पर्सन ऑफर करेगा और ये एक्सेप्टर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. सिर्फ ऑफर का होना ही एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ऑफर का होना ही एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा. उस ऑफर को जब वो रेसिप्रोकल, जब उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, अग्रीमेंट कहलाएगा. ऑफर कौन करता है, प्रोमिसर. एक्सेप्ट कौन करता है, प्रोमिसी. टू पार्टीज होते हैं याद रखना, प्रोमिसर प्रोमिसी. ठीक, या तो ये ऑफर लिखा है तो ऑफरर या ऑफरी ये भी हो सकता है. नेक्स्ट देखो, जो ऑफर है सॉरी जो ऑफर करते हैं वो कौन करता है, प्रोमिसर. अगर ये एक्सेप्ट करता है उसको तो क्या करेगा, वो उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस करेगा. रेसिप्रोकल क्या होता है,
ये प्रोमिसर है, ये अगर कुछ प्रोमिस कर रहा है और ये उसमें हाँ कर रहा है, इट मीन्स ये प्रोमिस को रेसिप्रोकल प्रोमिस कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये आया समझ में? नो मैम, नो मैम। क्या नहीं आया? बाउंस हो गया पूरा ऊपर से। मैम बहुत कंफ्यूजन, हाँ चले गया ऊपर से। हाँ लगी रहा था उनको। नोट किया मैंने जो नोट करवाया था स्टेटमेंट। मैम कुछ समझ ही नहीं आया क्या लिखे क्या समझे। देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में कोई डाउट है? नहीं है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या बताया था? दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। हाँ या ना में अब तुरंत तुरंत रिप्लाई देना ना। हाँ ना जो भी एग्रीमेंट में बताया था टू और मोर पार्टीज होगा। यस मैम। यस मैम। वो जो दो या दो लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे मतलब एग्रीमेंट करना चाहेंगे वो क्या होते हैं? एक होगा प्रोमिसर और एक होगा प्रोमिसी। ठीक, तो जो ऑफर करता है वो होता है प्रोमिसर और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को वो होगा प्रोमिसी। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। अब क्लियर हुआ? ठीक, अब जो ऑफर कर रहा है इट मींस वो कुछ कंडीशंस रख रहा है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रही हूँ? सपोज अगर बोलता है ए ऑफर करता है बी को कि देखो यहाँ एग्जांपल देखो, देखो एक हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं, देखो ये देखो दिख रहा है ये? Yes, ma'am. क्या लिखा है? Yes, ma'am. A offers to sell his scooter to B for rupees 5000. तो यहाँ पे देखो A offer कर रहा है B को कि वो उसको अपना स्कूटर क्या करेगा, सेल करेगा। कितने में? 5000 में। बस अब इतना समझो, इसके आगे मत जाओ। तो ये जो प्रोमिसर है ये ऑफर कर रहा है, समझो प्रोमिसर क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। तो जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट देखो, और इसी को ही क्या बोलते हैं? एक प्रपोजल। दिस इज अ प्रपोजल। ये एक तरीके का प्रपोजल हुआ कि नहीं? देखो यस मैम। ए इज द ऑफरर और प्रोमिसर। ए क्या हो गया? जो पहले ऑफर रखता है या प्रपोजल रखता है उसको बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर। ये देखो जो ऑफर करता है, मैंने बोला ना जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसर। ठीक, एंड बी इज द ऑफरी और जिसको मिल रहा है वो क्या हो गया? ऑफरी। अब देखो एक ही के दो दो तीन तीन नाम है। अब समझो जो प्रोमिसर है वो ऑफर कर रहा है और हम उसको ऑफरर भी बोल सकते हैं, और जो प्रोमिसी है ये किसको ऑफर हो रहा है? बी को हो रहा है। ठीक है, तो बी क्या हुआ है सिचुएशन में? प्रोमिसी एक्सेप्टर है ना, या एक्सेप्टेंस करेगा या नहीं करेगा ये उसके ऊपर है, चाहे वो येस में दे चाहे वो नो में दे उसके। तो ये क्या हो गया? ऑफरी। आ रहा है समझ में आ रहा है? यस मैम। अब तो बाउंस नहीं हुआ ऊपर से? नो मैम। नहीं अभी आ गया। हाँ चल नोट करो, ये स्टेटमेंट बनाओ ऐसे और कर लिए एग्जाम्पल, ये वो भी कर लिए। कर लिए? अब देखो लिख ही लिए तुम लोग? ये तो मैं आपको पूरा ये पीडीएफ सेंड करूंगी, आप इसकी टेंशन मत लो। बस ये जो लिखवा रही हूँ, हाँ जो आप समझाए वो लिख लिए। हाँ ये यहाँ से पीडीएफ से मत करो नोट, ये पीडीएफ मैं पूरी सेंड कर दूंगी आपको, आप बस समझो। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रही हूँ।
देखो इंट्रोडक्शन, देखो ये आपके थ्योरी पोर्शन में लिखने के काम आएगा। इधर देखो प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। हाँ देखो एक चीज टर्म भूल गए हम, ये जो सामने वाला ऑफर कर रहा है इट मींस वो क्या कर रहा है, उसके सामने कुछ प्रपोजल रख रहा है। समझ में आया, सामने वाला जो उसको ऑफर कर रहा है इट मींस वो क्या कर रहा है, कुछ प्रपोजल रख रहा है उसके सामने, तो इसको प्रपोजल भी बोलेंगे ऑफर को, याद रखना। अब नेक्स्ट देखो इसमें ये द एंटायर प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद द प्रपोजल और एन ऑफर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो कैसे स्टार्ट होता है, प्रपोजल और ऑफर फर्स्ट स्टेप होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है, एग्रीमेंट से बनता है और इन्फोर्सेबिलिटी लॉ, और एग्रीमेंट करने के लिए उसको ऑफर करना जरूरी है, एग्रीमेंट करने के लिए उसको ऑफर करना जरूरी है और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट होगा। तो इसलिए जो एंटायर प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो किससे बिगन होता है, प्रपोजल और ऑफर से, बाय वन पार्टी टू अनदर। और जो प्रपोजल है वो मस्ट बी एक्सेप्टेड, अगर ये जो प्रॉमिसी है एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, बात वहीं पे खत्म। आ रहा है समझ में, बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो सेकंड लाइन क्या लिखा है, द पर्सन मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल इज रिफर टू इज प्रोमिसर और ऑफरर, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट एन ऑफर इज रिफर टू इन प्रोमिसी और एक्सेप्टर। ये अभी बताया आपको, देखो एक नया नाम आ गया एक्सेप्टर, है ना। नेक्स्ट देखो द ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। एब्स्टेन क्या होता है, नहीं करना। जो ऑफरर है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो ऑफर करता है किसी काम को करने के लिए टू डू, या वो किसी काम को नहीं करने के लिए भी ऑफर कर सकता है। एब्स्टेंस यानी नहीं में, मना करना। देखो अब नहीं में कैसे होता है ऑफर, ए को पैसे देने हैं बी को, तो ए ऑफर करेगा बी को, सपोज इसको 10,000 लेने हैं बी को, किससे, ए से, तो ए ऑफर करेगा बी को कि आप मेरे ऊपर कोई कंप्लेन मत करना पुलिस में जो भी, तो मैं आपको 10 के बदले 11,000 पे करूंगा। तो उसको मना कर रहा है, क्या मना कर रहा है, कंप्लेन के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए। तो ये नेगेटिव ऑफर हुआ एब्स्टेंस, और बी हाँ भी बोल रहा है। तो ऑफरर जो होता है वो एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस, उसकी जो इच्छाएं वगैरह होती हैं कि वो उसको करे, और एब्स्टेन सामने वाले को रोकता भी है, ठीक है। ओनली विलिंगनेस इज नॉट एडिक्वेट और जस्ट एन अर्ज टू डू समथिंग और नॉट टू डू एनीथिंग विल नॉट बी एन ऑफर। मतलब आपकी इच्छा है विलिंगनेस, और यहाँ आपके अंदर एक स्टिमुलेशन हुआ है कि ये इसमें करवाना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको ऑफर तो करना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को बोलना पड़ेगा वो ये बोलना चाह रहा है घुमा फिरा के। आगे देखो ऑल द पर्सन्स आर इंक्लूडेड, लीगल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी भी ऑफर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। नेक्स्ट देखो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये टू डू पॉजिटिव और एब्स्टेंस नेगेटिव। अब देखो देर मस्ट बी टू पार्टीज, एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए मेकिंग द प्रपोजल एंड द अदर पर्सन एग्रीइंग टू इट, मेकिंग द प्रपोजल एंड अदर पर्सन एग्रीइंग टू इट। यहां तक क्लियर हुआ मीनिंग ऑफ प्रपोजल और ऑफर? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल को क्या बोलती है, व्हेन वन पर्सन विल सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एब्स्टेन विथ अ व्यू। अब देखो
समझो, व्हेन वन पर्सन सपोज ए विल सिग्निफाई टू अनदर पर्सन, अदर पर्सन बी को अगर अपनी कुछ विलिंगनेस बता रहा है, ठीक, या कुछ नहीं करे लेकिन विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट क्या होता है, एसेंट क्या होता है, टू ऑब्टेन द एसेंट मतलब इसकी हाँ या ना, एसेंट है ना, मतलब इसका रिप्लाई भी आना चाहिए, ऑफ सच पर्सन टू सच एन एक्ट, मतलब एक्ट मतलब यस पे करें, और एब्सटिनेंस मतलब वो जो उसको नेगेटिव वाला मना कर रहा था करने के लिए उसके लिए, तभी वो क्या कहलेगा, प्रपोजल और ऑफर। हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमको ऑब्टेन करना है उसका एसेंट हाँ या न में, हमारा व्यू पॉइंट है, अभी मिला नहीं है, हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं और हम यही सोच समझ के कि ऑफर कर रहे हैं उसको कि सामने वाला हमको रिप्लाई भी करेगा, अभी रिप्लाई आया नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। अगर आप सिर्फ कुछ बताने के लिए कुछ बोल रहे हैं तो वो ऑफर नहीं होगा, ठीक। जैसे सर्कुलर्स वगैरह आते हैं आप कॉलेजेस में, जब आप कॉलेज में जब लास्ट ईयर पढ़ने आते तो एक नोटिस आता था सर्कुलर आपके क्लासरूम में, बताओ आता था कि नहीं आता था मैम? तो उसका आपको रिप्लाई करना जरूरी होता था क्या? नहीं होता था, नहीं। वो एक इन्फॉर्मेशन होती थी आपके लिए, है ना, वो इन्फॉर्मेशन होती थी आपके लिए, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, सपोज अगर आपका उसमें कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन की बात होगी, ठीक, तो अगर आपको उसमें अपना नाम लिखवाना है तो आप आएंगे और अपना उस कॉम्पिटिशन के लिए नाम एंट्री करवाएंगे, फिर आपके जो कंसर्न टीचर होते थे वो आपका नाम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो बात की बात है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आता है वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। तो देखो ये जो सर्कुलर आया था इसमें आपकी हाँ या ना जानने के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया था, ये जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर लिखा है ना मैंने, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, उसमें ये टाइप्स में आएगा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में, ठीक। तो कभी कभी जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना कि एग्जीबिशन लगने वाला है आप लोग आके उसको देख सकते हैं, तो वो ऑफर नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में जो एक आर्टिकल छपा है क्या उस आर्टिकल को देख के आप हाँ या ना बोलेंगे तो क्या सामने वाला सुन लेगा, बताओ? मतलब इतना हाईटेक जमाना हो गया है कि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी और आप वहीं से हाँ या ना बोल रहे हो और इसने सुन भी लिया, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? No, ma'am. नहीं हो सकता। No. तो इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, अच्छे से समझो ये पॉइंट, ये डिफरेंस बिटवीन पूछना है, तो ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर, यस। अब आप जब एग्जीबिशन पे जाते हैं और आप वहां पे जो एग्जीबिशन के लिए चीजें हैं उनको देखते हैं, ठीक, आप भी जा रहे हैं, अब आप वहां पे उसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तब वो एक ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन आप जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं वो मियर इनविटेशन टू ऑफर है। सेम जैसे वैकेंसीज वगैरह होती हैं उसका इंटरव्यूज के लिए जो आता है वो सब होता है इनविटेशन टू ऑफर। कुछ पूछना है किसी को पूछो जल्दी से। कहीं पे भी कुछ पूछना है तो पूछो। नेक्स्ट देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में फर्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का कल मैं बताई थी, या तो वो ओरल हो सकता है, स्पोकन मीन्स ओरल, या फिर वो रिटन। याद रखना अब जब भी एक्सप्रेस की बात करूं या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एग्जाम्पल देखो, विल यू परचेज माई कार फॉर 15,000, ओरल ऑफर। ए अगर एक लेटर में उसको टाइप करके देता है विल यू बाय माय कार फॉर 15,000, इट इज एन रिटन ऑफर। अब नेक्स्ट देखो, इसमें बी देखो, यहां पे ये इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड ऑफर बताया मैंने आपको,
टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में एक्सप्रेस ऑफर था, इम्प्लाइड ऑफर है ना. इम्प्लाइड में क्या है वो देखो, कल बताया था मैंने, स्पोकन भी नहीं होता है, रिटन भी नहीं है. ये देखो, इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस. जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल दिया था. क्लियर है यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक क्लियर था? यस मैम. देखो, दिख रहा है? देखो, ये पब्लिक टेलीफोन या फिर जो ये वेट मशीन्स वगैरह दिया है, देखो है ना, रेलवे स्टेशन पे, या फिर अगर अपन मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हाउसेस वगैरह, तो कुछ हम एक अमाउंट पे करते हैं, तो ये कौन से होते हैं? एम्प्लॉयड ऑफर.